तो पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 250 ग्राम। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी लिया है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच हमने गार्लिक पेस्ट लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च कट करके, एक बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे, एक कप मैंने मटर ली हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच गर्म मसाला पाउडर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैन में ऑयल डालेंगे, तो ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, तो ज़ीरे को फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा रखा है, आप चाहें तो थोड़ा कम यूज़ करें। और ज़ीरा फ्राई होते ही हमने इसमें अनियन भी ऐड कर दिए हैं। अनियन के साथ हम इसमें हरी मिर्च भी डाल रहे हैं और दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अभी अनियन और जो ग्रीन चिली हैं वो फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद में हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। तो आप चाहे तो टमाटर को ग्रेट करके या पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और साथ ही हम गरम मसाला पाउडर भी डाल रहे हैं और गार्लिक पेस्ट। तो सभी मसाले डाल दिए हैं मैंने और मिक्स करेंगे अभी हम मसाले को। तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया इसमें, बस ऑयल अलग होने तक हम पूरे मसाले को अच्छे से पका लेंगे। तो टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला परफेक्ट हो चुका है हमारा। तो अभी मैंने इसमें पत्ता गोभी डाल दी है और मटर भी ऐड किए हैं साथ ही। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर यूज़ किए हैं, आप चाहे तो फ्रोज़न भी डाल सकते हैं। तो मिक्स कर दिया है अच्छे से और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 से 16 या 17 मिनट पका सकते हैं इसे। तो बस 15 से 16 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं। तो जो हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी है मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जो हमारी मटर है वो सॉफ्ट हुई है, यानी मटर भी पक चुकी हैं और पत्ता गोभी पकने में ज़्यादा समय नहीं लेती है वैसे भी। उसके बाद में मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है ऊपर से। तो हमारी जो पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी है देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो बस हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।